दोस्तों, आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस से सभी दुनिया के सभी शहर, सभी जिले, सभी गलियां ग्रस्त हो चुकी हैं, फिर चाहे से वो दुनिया का कोई सा भी शहर हो। वहीं पे दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि चाइना के अंदर फिर से उद्योग चालू हो चुका है, वहां की दुकानें फिर से चालू हो चुकी हैं, वहां के शहर फिर से चालू हो चुके हैं, यहाँ तक कि वहाँ के उद्योग भी चालू हो चुके हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जहाँ से ये वायरस फैला था वहाँ का मटन मार्केट भी चालू हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये एक सबसे बड़ी साजिश है हमारे भारत को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, ये एक सबसे बड़ी साजिश है। COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस को चाइना के ही किसी एक लैब में बनाया गया था, जहाँ पर इसको बनाने के बाद में इसका टीका यानी कि इसकी दवाई बनाई गई। और दोस्तों, इसकी दवाई बनाने के बाद में पूरी दुनिया के अंदर चाइना ने इस वायरस को फैला दिया। जहाँ तक कि दोस्तों, आप सभी को पता है कि COVID-19 कोरोना वायरस दुनिया के सभी शहरों में पहुँच चुका है, फिर चाहे से वो पेरिस हो, न्यूयॉर्क हो, वर्लिन हो, रूम हो, लंदन हो, देहरादून हो, टोक्यो हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, या फिर हमारा पूरा भारत हो, COVID-19 सभी शहरों को ग्रस्त कर चुके हैं। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाइना के अर्थव्यवस्था को संभालने वाले दो सबसे बड़े शहर जो कि चाइना की बाउंड्री से लगे हुए हैं, जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर कोरोना वायरस का एक भी केस देखने के लिए नहीं मिला, बीजिंग और सिंघाई। जी हाँ दोस्तों, बीजिंग के अंदर चाइना की सत्ता को चलाने वाले बड़े बड़े इंडस्ट्रियस रहते हैं, और दोस्तों वहाँ पर फौजी अफसर भी रहते हैं जो कि चाइना की बाउंड्री पे खड़े रहते हैं। वहीं भी दोस्तों सिंघाई, जो कि एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रियल और दोस्तों अमीर लोगों का घर है, और वहाँ पर भी दोस्तों एक भी व्यक्ति को COVID-19 नहीं हुआ है। यानी कि दोस्तों, ये इससे साफ जाहिर होता है कि COVID-19 की अर्थव्यवस्था हमारे भारत देशों को और दोस्तों दुनिया के सभी भारी देशों को फैलाने के लिए करी गई है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाइना ने अमेरिका के सभी शेयर्स को 30% से भी कम कीमत पर खरीद लिए हैं। और दोस्तों, इससे कहना गलत नहीं होगा कि COVID-19 के चलते चाइना ने बिना हाथ पैर चलाए अपनी सत्ता को दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत कर लिया है। और दोस्तों, चाइना हम सबके बीच में अपने गैजेट्स बेचकर अरबों रुपए भी कमाएगा। जैसे कि आप सभी को पता था कि चाइना से ही सबसे पहले COVID-19 निकला था, और दोस्तों चाइना के ऊपर शक ना हो इसके वजह से उन्होंने उनके शहर या फिर यूँ कहें कि चाइना के अंदर COVID-19 को फैलाया और उसके बाद में सबसे पहले संभाल भी लिया। दोस्तों, इससे कहना गलत नहीं होगा कि जहाँ पर टीके को कम से कम समय लगता है 16 महीने का बनने में, वहाँ पर इनके पास इतनी जल्दी टीका कैसे आया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये हमारी दुनिया के सभी देशों पे राज करना चाहता है, और दोस्तों राज करने के साथ साथ में अपना अमल भी करना चाहता है। क्या आपको पता है कि यूरोप में सभी देश बंद हो चुके हैं, जिसमें शामिल है इटली, स्पेन, जर्मनी और दोस्तों ब्रिटेन जैसे शानदार शहर। वहीं पर दोस्तों, अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका के भी सभी शहर बंद हो चुके हैं, जैसे कि अमेरिका और कनाडा। वहीं पर अगर हम बात करें कि मिडल ईस्ट के भी सभी शहर बंद हो चुके हैं, जैसे कि इजराइल और ईरान। वहीं पर अगर हम बात करें एशिया देशों की, तो एशिया में सबसे पहला नाम आता है भारत और जापान का, जो कि चाइना के खिलाफ रहते हैं हमेशा। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चाइना ने एक ऐसी चाल चली है जिसकी वजह से सभी देश अपने घुटने टेकने पर राजी हो चुके हैं। और दोस्तों, अब लगता यह है कि काफ़ी जल्द चाइना COVID-19 की वैक्सीन या फिर दोस्तों टीका भी लागू कर दे, जिसकी कीमत होगी लगभग 20,000 रुपये। और दोस्तों, इसका एक कॉन्ट्रैक्ट भी होगा कि अगले 20 सालों तक ये टीका कोई और देश बना के नहीं बेच सकता। इससे कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि चाइना दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा और सभी को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। वैसे दोस्तों, आप अपने घर में है या नहीं, आपने मास्क पहना है या नहीं, आपने दोस्तों क्लोरोफॉर्म का यूज करा है या नहीं, आपने दोस्तों अपने बच्चों को घर के अंदर रखा है या नहीं, आपने 21 दिन का लॉकडाउन की पालन करा है नहीं। दोस्तों, अगर हम आज पालन नहीं करेंगे तो आगे चल के हमारी गलती की वजह से ही हमारा देश गुलाम बन जाएगा। आपको क्या लगता है, हमें अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टेड अपडेट पाने के लिए आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।